नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल आदर्श शर्मा। स्वागत है हमारे चैनल कपिल इनफील्ड के ऊपर। दोस्तों, अब रॉयल इनफील्ड ने अपनी एक बॉबर बाइक लॉन्च करके ना बाइक की दुनिया में ना धुआं उठा दिया है, क्योंकि भाई अब रॉयल इनफील्ड ने बॉबर बाइक जो लॉन्च करी ना वो इस तरीके से शानदार लॉन्च करी है जिसकी ना कोई कंपैरिजन पूरी मार्केट में किसी से नहीं होने वाला। अभी आप देख रहे होंगे इसके एक कलर यहाँ पर है और दूसरा कलर जो है वो अपना उधर खड़ा हुआ है। तो पहले मैं आपसे रिव्यू करूंगा इस कलर के बारे में, फिर हम चलेंगे उस कलर के ऊपर में। तो आपको पूरे स्पेक्स और सब कुछ डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बाइक के ना इंजन के बारे में बात करता हूं। तो बाइक का 349 सीसी का इंजन है, 20.2 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 27 बीएचपी की पावर के साथ में 5 गियरबॉक्स का ये इंजन आपको शानदार बेहतरीन पावर देने वाला है। इस इंजन को अगर आप देखेंगे तो ये इंजन जो अपनी क्लासिक लेजेंड सीरीज में, रिबॉर्न सीरीज क्लासिक या स्टैंडर्ड रिबॉर्न में, सब में यही सेम इंजन आ रहा है और सेम इंजन आपको गोवान क्लासिक में मिलने वाला है। बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के ऊपर, तो भाई जो फ्रंट प्रोफाइल है ना देखो कितनी शानदार है। इसका जो लुक है ना, लुक अपने आप में एक शानदार अट्रैक्टिव है, जो रोड पे चलते हो ना लोग प्रेजेंस अलग ही आपको देने वाला है। इस बाइक की खासियत है, इस बाइक के अंदर आपको स्पोक्स व्हील दिख रहे हैं ना, बट स्पोक्स नहीं है, ये है ट्यूबलेस टायर्स के स्पोक्स व्हील, ट्यूबलेस स्पोक्स व्हील ये आपको इसमें मिलने वाले हैं। पहली बार रॉयल इनफील्ड ने मार्केट के अंदर स्पोक्स में आपको ट्यूबलेस टायर दे दिए हैं गोवान क्लासिक सीरीज के अंदर में। प्रूफ है ना ये, आपको जो वॉल्व है एयर भराने के लिए टायर के अंदर, ये भी आपको इस तरह का मेटल में मिलता है। और भाई ये एल्युमिनियम फ्रेम में आपको ट्यूबलेस टायर के साथ गोवान क्लासिक आने वाली है। आगे आपको मिलता है 100x1919 का आपको फ्रंट का व्हील मिलता है और पीछे का व्हील आपको मिलता है 130x16 इंच का। पीछे का जो आपका व्हील है 16 इंच का और फ्रंट का जो व्हील है आपका 19 इंच का व्हील है। इस बाइक में टोटल दो वेरिएंट और चार कलर आते हैं। दो कलर आप यहाँ देख रहे हैं और जो बाकी के दो कलर हैं उसमें क्या है, एक स्टील्थ ब्लैक है जिसमें पूरी बाइक आपकी स्टील्थ ब्लैक होगी और दूसरा कलर है आपका इसमें पर्पल कलर का टैंक होगा, तो वो भी एक यूनिक है। बट उसमें एक सबसे बड़ा तो चेंज है ना, अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो देखो बॉडी कलर से जो रिम है ये सेम कलर के मैच है। अगर आप रेड वाले में देखेंगे तो बॉडी कलर से ही सेम रेड कलर में मैच कर रहे हैं, बट अगर आप स्टील्स ब्लैक में देखेंगे तो स्टील्स ब्लैक का जो रिम है वो रिम ब्लैक कलर में है और जो पर्पल है पर्पल में भी आपको ये ब्लैक मिलने वाला है। इसमें आपको सिर्फ पर्पल में टैंक का कलर चेंज मिलेगा, आपको बॉडी का कलर चेंज नहीं मिलने वाला है। ये कंप्लीट बाइक आपको LED फंक्शन आने वाली है। भाई अगर फ्रंट से बात करें तो 19 इंच का फ्रंट का टायर है, ये आपको फ्रंट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया है, मेटल में है और रॉयल इनफील्ड भाई हर एक पार्ट मेटल में आता है तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। कलर के साथ में बॉडी के जो टोन दी हुई है, जो टेक्सचर दिया हुआ है, ये बहुत ही इसको तराशा गया, निखारा गया है ताकि आपकी बाइक चलते हो ना रोड पे एक प्रेजेंस अलग से दे, क्योंकि गोवान क्लासिक इस बाइक को नाम दिया है वैसे। और ये बॉबर लुक में रॉयल इनफील्ड की बाइक है जो पूरे कम्प्लीटली आपको LED फंक्शन मिलेंगे बेस से टॉप वेरियंट तक। अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें हेडलाइट है, हेडलाइट भी आपको LED मिलेगी और साथ में ये पार्किंग लाइट है ये भी आपको LED मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है भाई जो इंडिकेटर्स है ना, इनकी ब्राइटनेस भाई बहुत हाई लेवल की ब्राइटनेस है इनकी, इनकी ब्राइटनेस है बहुत अच्छी है, ये भी आपको LED मिलने वाले हैं आपको बेस से लेके टॉप वेरियंट तक। तो टैंक आपको सेम मिलने वाला है और सभी वेरियंट के अंदर आपको GPS नेविगेशन सिस्टम मिलने वाला है और हैंडल बार पे जो जितने भी कंसोल्स है ये सब आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाले हैं। इंजन को देखेंगे तो भाई इंजन को देखो सामने है अपना JT 349 सीसी का इंजन है और यहाँ पर भाई देखो पियानो ब्लैक फिनिश, इधर भी पियानो ब्लैक फिनिश जो बहुत शानदार लग रही है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश ऐसी नहीं है कि बहुत जल्दी डल पड़ जाएगी, डल नहीं पड़ने वाली। रॉयल इनफील्ड की तो भाई रॉयल इनफील्ड अपने नाम पर ही चला हुआ है और इसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अलग है, इससे कोई कंपैरिजन पूरी मार्केट में कहीं नहीं है। साथ में आपको जो भाई जिसके जो फुटरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्ड होते हैं, अगर इन केस आपकी बाइक कहीं साइड में लग जाती है, जैसे क्या होता है कि बहुत बार हम बाइक चलाते हैं छोटी छोटी जगह से बाइक निकालते हैं ना तो हमारे फुटरेस्ट वहाँ बाइक लग जाती है तो फुटरेस्ट ना आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस क्या ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो ऊंचे नीचे होने के बाद में उसको ऊंचे नीचे होने के कारण में कि आपके सीटिंग पोजीशन में कहीं प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें देखो ये एडजस्टेबल है, लोगों थ्रॉटल का बार है आप इसको चेंज करा सकते हैं और अपने लीवर्स हैं इनका कलर चेंज करा सकते हैं एक्सेसरीज में रॉयल इनफील्ड के साथ में। और अगर आप पीछे देखेंगे ना जो साइड में आपका कवर है ना इनफील्डर कवर इसको आप बोलते हैं, तो इस पे भी ना भाई गोवान क्लासिक्स यहाँ लिखा हुआ है 350 और भाई बहुत शानदार बाइक है, बहुत स्टर्डी बाइक है और पूरा जो आपको इसका क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट पाइप मिलने वाला है भाई एक अलग ही लुक आपकी बाइक को ना प्रोवाइड करने वाला है। जो पीछे का मड गार्ड है ना भाई देखो कितना चौड़ा है, कितना ब्रॉड है, मेरे हाथ से भी ऐसे इजीली नहीं आ रहा है, तो ये मड गार्ड बहुत चौड़ा है। और देखो पीछे यहाँ पे ना रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है, अगर आपको सिंगल सीट में बाइक यूज़ करना आप इसको सिंगल सीट में यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डबल सीट में बाइक यूज करें तो डबल सीट का इसमें ऑप्शन रॉयल इनफील्ड ने आपको दिए हैं कि आप इसको डबल सीट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे आपको
एक्स्ट्रा सीट मिलके एक्स्ट्रा सीट आपको लग जाएगी, वो एक्स्ट्रा सीट इसका पार्ट है। तो अगर आपको सिंगल सीट में सुनना है, सिर्फ बॉबर बाइक सिंगल सीट के लिए होती है। जो सीट इसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी दी गई है कि भाई आपको लॉन्ग रूट के लिए प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आपको डबल सीट चाहिए तो आप अगर दो राइडर चलते हैं या फैमिली के लिए दो राइडर चलते हैं तो आपको उसके लिए भी आप इसमें पीछे से दूसरी सीट आप लगवा सकते हैं। आप सेकंड सीट लगवाते हैं तो भाई लेडीज़ की सेफ्टी के लिए और बच्चों की सेफ्टी के लिए और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए यहाँ सारे गार्ड दिया हुआ है ताकि कोई भी कपड़ा कुछ भी चेन में ना अटके, जिससे आप बिल्कुल सेफ राइड का आनंद उठा सकें। अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं तो लेफ्ट साइड में सेम आपको गुआन क्लासिक्स का बैजिंग मिलने वाली है और सेम इंजन में देखो भाई शानदार, कितनी शानदार पियानो ब्लैक फिनिश। देखो मेरे इसमें फिंगर भी आराम से दिख रही है, तो पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है आपको इंजन के ऊपर। साथ में रॉयल फील्ड जो लोगो है ना, ये आपको पूरा पूरा सिल्वर कलर में मिलने वाला है। जो आपको अगर पीछे से आप लुक देख रहे हैं ना, इसका लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में जो सिल्वर कलर की भाई जो लुक दिया है ना भाई, वो एक अलग ही दिया है, जिससे बाइक में जो लुक आ रहा है ना, मतलब कलर का कॉन्ट्रास्ट ना बिल्कुल बैलेंस होकर आ रहा है। तो ये अपने ना कुछ गोवान क्लासिक का एक टॉप कलर का आपको ओवरव्यू दिया है, जिसमें मैंने आपको ना बारीकियाँ दिखाई है कि भाई बाइक में बारीकियाँ। अच्छा एक बारीकी सबसे बड़ी दिखाना भूल गया आपको, ऊपर दिखाता हूँ। अगर आप ये टायर देखें ना, देखो टायर पे वाइट पट्टी और नीचे ब्लैक और ये साथ में एल्युमिनियम फ्रेम, इसके मैं दिखाता हूँ आपको क्या रोल है। देखो आपको वाइट पट्टी दिख रही है ना, थोड़ी सी ऊपर से उठी हुई है और ये यहाँ से ना अंदर आती है बिल्कुल ही, जो आपको ना ट्यूबलेस टायर का पूरा आपको बैलेंस प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि भाई स्पोक्स में ट्यूबलेस टायर देना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो भाई ट्यूबलेस टायर निकालने के लिए रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा रिसर्च है ये साइड में इस पट्टी के ऊपर में, ताकि भाई आपको ना बहुत बढ़िया एक राइड का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक ना पंचर होने के बाद आसानी से आप इसको कहीं मैकेनिक के लेकर नहीं जा सकते, तो भाई रॉयल एनफील्ड ने फाइनली स्पोक्स के साथ में, क्योंकि भाई स्पोक्स के साथ रॉयल एनफील्ड जो लुक है ना, वो लुक अलग ही आता है आने वाले टाइम में। कि रॉयल एनफील्ड में सभी जितने भी वेरियंट आ रहे हैं ना, उन सब में स्पोक्स में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिले। अब चलते हम सेकंड पिलर पे, तो सेकंड पिलर की जो बारीकी है ना, जो मतलब सीटिंग हाइट है, ग्राउंड क्लीयरेंस है, वो सब मैं आपको दूंगा उस वाली बाइक के ऊपर। क्योंकि भाई इस पर थोड़ा बैठ के चढ़ के बैठना ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो वो चलते हैं हम आगे। इसमें ना आपको की जो है ये सब में सारे मॉडल में सेम की आ रही है, तो ये की आपको मिलने वाली है। और जो इसका फ्रंट का मीटर कंसोल है ना, अगर वो आपको दिखाऊं तो आपको इसके अंदर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आने वाला है। और की लगा करके इसको मैं ऑन करूँगा तो ऑन करके आपको ऐसा फंक्शन आएगा। सभी मॉडल के अंदर बेस से लेकर टॉप में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम मिलने वाला है इसके अंदर आपको। और हज़ार्ड का स्विच जो आपका इनबिल्ट है, इसमें आपको चारों इंडिकेटर हज़ार्ड लिए काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात है ना, देखो इसके अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको नहीं। तो फाइनली आपको टाइप सी पावर चार्जिंग के साथ में आपको यहाँ बाइक में रॉयल एनफील्ड ने आपको दे दिया है फ़ोन चार्जिंग के लिए। फ़ोन चार्जिंग आपके कैमरे चार्जिंग एक्सेसरी चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे इसमें स्लॉट मिल चुका है। साथ में आपको जो क्लच लीवर है वो एडजस्टेबल है अपने हाथ के हिसाब से, जैसे अगर आपके हाथ छोटे हैं उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ब्रेक लीवर को भी सेम आप अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो नीचे भी स्पेस आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है अगर आप इसको ऑफ रोडिंग भी करते हैं इसको लेकर तो भी। अब जो इसके हैंडल बार की बात करें तो हैंडल बार देखेंगे आप, हैंडल जो है इसका स्ट्रेट है। इस हैंडल को आप ना अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हैं, बाद में चेंज करा सकते हैं। बट जो इसका स्टॉक है, स्टॉक में आपको यही हैंडल मिलना है, इसमें आपको बॉबर लुक का राइड का एक्सपीरियंस प्रॉपर मिलने वाला है। तो सीटिंग में पोजीशन जो है ना आपकी, जब आपके जो पैर हैं तो थोड़े से जैसे स्लाइड, अगर आप देखेंगे क्लासिक के स्टैंडर्ड में आपके पैर पीछे होते हैं, पर गोवान क्लासिक में आपके पैर जो है स्लाइड थोड़े से आगे जाएंगे, बॉबर लुक का आपको एक्सपीरियंस देगा। अगर आप राइट साइड से देखेंगे ना, तो राइट साइड से भी सेम आपको जो पैर हैं वो लीवर पर आगे की तरफ जाएंगे, फुट ऐसे तो आपके आगे की तरफ प्लेस करेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर बॉबर राइड का लुक आपको मिले। तो बॉबर का एक्सपीरियंस लें अच्छे से, तो आपको इसलिए गोवान क्लासिक दिया। और गोवान क्लासिक में जो सीट है ना भाई, अगर मैं सीट की बात करूँ, देखो सीट में आपको यहाँ से कर्व शेप मिलने वाली है, जिससे आपको पीछे बैक सपोर्ट में ना बहुत हेल्प करने वाला है। इस बैक सपोर्ट से क्या है कि जब आप लॉन्ग रूट पे इस बैक को लेकर चलेंगे ना, तो आपके बैक को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। साथ में जो कुशनिंग है ना, आप देखो मैं इसको फिंगर से अगर प्रेस करूँ ना, तो फिंगर से प्रेस करने के बाद में ना काफ़ी अच्छी खासी कुशनिंग इसके अंदर है। तो सेम रेड में ना आपको देखो बॉडी कलर से रिम का आपको कलर बिल्कुल मैच होने वाला है। ये यहाँ पे रेड और इधर भी रेड पूरा मैच है, बट आपको पर्पल में मैच नहीं होगा। जैसे आपको उस कलर में ऑरेंज टिंट पूरी बाइक के साथ में, ऑरेंज टायर के साथ में मैच है, वैसे सेम आपको यहाँ पर मैच है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि चारों कलर में और दोनों वेरियंट में ना आपको सेम टायर पर, सभी टायर पर यहाँ पर आपको वाइट पट्टी मिलने वाली है। और व्हील बैलेंसिंग के लिए कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ व्हील बैलेंस करके यहाँ वेट लगा कर दिए हैं। तो जब आप ये बाइक लेंगे ना, तो आपको प्रॉपर व्हील बैलेंसिंग के साथ आपको बाइक मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करना और साथ में कमेंट करना आपको कि ये बाइक कैसी लगी है। और साथ में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आपसे दोस्तों अगली मिशन के लिए बाय बाय।